आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के द्वारा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में जोरदार आंदोलन किया गया। जी हाँ, यह आंदोलन किस वजह से किया गया था, आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। इस खबर में पीजी थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट में सुधार किया जाए और पीजी फोर्थ सेमेस्टर में रिजल्ट समय से जारी किया जाए और भी कई मांगों को लेकर यहाँ पर आंदोलन किया गया है। पाने के लिए आते हैं या यहाँ के कुछ दलालों जो डाटा सेंटर के मदद से यहाँ नंबर बढ़ाने का भी काम करते हैं। ये एक व्यापक रूप से जो है ना घोटाला का काम किया जा रहा है, जिसमें बहुत बड़ी साजिश है और कहीं न कहीं इसमें विश्वविद्यालय प्रशासन मिली हुई है। दूसरी मांग है हमारी पीजी फोर्थ सेमेस्टर का एसटीईटी का फॉर्म भरने का अंतिम डेट है और अभी पीजी फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है, जिसको हम लोग की बात हुई थी परीक्षा नियंत्रक महोदय से तो बोले 20 तारीख से जारी हो जाएगा। 20 तारीख बीत गया, आज 21 तारीख है। हमारा हर हाल में पीजी फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा, तब तो जो बीएड किए हुए बीपीएससी अभी जो बहाली आएगी उस बहाली से तो वो वंचित हो जाएंगे। तीसरी, कन्या उत्थान योजना में सिर्फ विश्वविद्यालय के गड़बड़ी के कारण कन्या उत्थान राशि जो कि 50,000 हमारे मुख्यमंत्री जी का ये योजना जो है इसको ये फॉलोअप करने वाला विश्वविद्यालय प्रशासन कौन होता है? कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी से इनको दुश्मनी हो रहा है, एक खराब मैसेज जा रहा है कि मुख्यमंत्री योजना का लाभ छात्राओं को नहीं मिल रही है। हमारी जो बहने हैं जो पास करती है उनको जब मुख्यमंत्री जी का ये योजना है कि 50,000 रुपया मिलेगा तो दूसरा कोई रोकने वाला कौन है? इसके पीछे एक गड़बड़ी किया गया, एक ही सीरियल नंबर का कई बच्चा का मार्कशीट जो है एक ही सीरियल नंबर है। अब बताइए, एक तो अभी यहाँ कन्या उत्थान राशि का लाभ तक की बात हो रही है, आगे भविष्य में भी मानिए दो बच्चा है जिसका मार्कशीट का सीरियल नंबर एक ही है और एक ही विभाग में नौकरी के लिए जाता है, उसका सीरियल नंबर जब मैच होगा किसका मार्कशीट आप फॉल्स कीजिएगा? किसी एक का तो मार्कशीट फॉल्स कीजिएगा, उसका खिलवाड़ कीजिएगा। अगर कोई आदमी 30-35 साल अपना एज भी देकर नौकरी करता है, उस समय नौकरी से हट जाएगा, उमदा के लिए वो कर लेगा, तो उस आदमी क्या ये भीसी कुलपति साहब पर धारा चला आगे कौन होंगे? कुलपति महोदय होंगे, लेकिन उनको लेकिन कोई उन पर आरोप नहीं लगेगा, नहीं लगेगा ना, कुछ होगा ही नहीं, कहीं ना कहीं। भैया सवाल यहाँ उठ के ये आता है कि सरकार जो है मतलब शिक्षा मंत्री हो तो डेप्यूटी सीएम तेजस्वी प्रताप यादव हैं, तो उनको कुछ करना चाहिए, बिना विदाउट उनके तो हो नहीं सकता है। ऐसा थोड़ी यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से अपना कॉलेज या यूनिवर्सिटी चलाएगा, ऊपर से लोड आ रहा है तब ना, तो इसके खिलाफ में तो आपको तेजस्वी यादव से बात करना चाहिए। डाटा सेंटर एजेंसी जो है ये राजभवन और भिन्न डाटा सेंटर एजेंसी का भी इशू जो है फंडिंग जो है स्टेट गवर्नमेंट ही कर रही है, तो रिजल्ट गड़बड़ी जो है रिजल्ट गड़बड़ी कहीं ना कहीं जो है मुख्यमंत्री साहब या डिप्टी मुख्यमंत्री साहब नहीं आते रिजल्ट गड़बड़ी करने के लिए, जो दलाल यूनिवर्सिटी में है वो दलाल जो है कहीं ना कहीं यहाँ के प्रशासन के द्वारा पाला गया है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं है। और छात्र अबे वहाँ से चल गया है क्या तुम भाई? छात्र का सम्मान करना सीखो भीसी, छात्र के अपमान में सम्मान में, छात्र के सम्मान में एनएसयूआई मैदान में भीसी मुर्दाबाद मुर्दाबाद।